हेलो बच्चों, आज मैं आपको एक और बात बताऊंगा। पंचतंत्र की कहानी और आज की कहानी है। इनवान से चार दोस्त बहुत अरसा पहले एक में जंगल में तीन दोस्त रहते थे। एक कछुआ, एक कौआ और चौहा। वो बहुत अच्छे थे दोस्त। वो हमेशा एक दूसरे की मदद करते थे। एक दिन जब वो बैठे थे और झील के करीब बातें करते हुए एक हर्न ऊपर चला गया। उनके लिए हर्न को देखकर जंगल में पहली बार कछुए ने कहा, तुम एक नया औजूद हो जो मैंने कभी नहीं देखा। आप उस जंगल में उससे पहले कि मैं नया हूँ। ये जंगल पिछला जंगल जिसमें मैं रहता हूँ, वहाँ मेरा कोई दोस्त नहीं था जिसकी मैंने कोशिश की। दूसरे जानवरों से दोस्ती करो लेकिन कोई नहीं चाहता था। मेरा दोस्त बनने के लिए मैंने जंगल छोड़ दिया और आखिरकार उस तक पहुंच गए। तो आप सब हैं अकेले और आपको एक दोस्त की जरूरत है। हाँ, कछुआ, कौआ और चौहा नजर आता है। एक दूसरे को देखकर मुस्कराए। हालांकि हम थे अब तक सिर्फ तीन दोस्त हैं, लेकिन अब हम हैं। हर्म को भी वकूफ बना कर उनसे दोस्ती कर ली। अगले दिन वो चारों अंदर चले गए खाने की तलाश के लिए। मुख्तलिफ समतों से शाम को वो इसी जगह मिलते थे। स्पॉट सब कुछ इसी तरह जारी रहा कुछ दिन। फिर एक दिन हर्न उस वजह से शाम तक वापस नहीं आया। बाकी तीन दोस्त मिलने लगे परेशान। सूरज तकरीबा गरूब हो चुका है। क्यों? क्या हर्न अभी तक वापस नहीं आया? हाँ, वो अब तक वापस आ जाना चाहिए था। हमें जाना चाहिए और इसे ढूंढना चाहिए। हाँ चलो और इसे तलाश करो, नहीं तुम भी अमेगो में अड़ सकता हूँ। उस तरह मैं एक वसी तर नजारा कर सकता हूँ और जल्दी से इसे छूने के काबिल हो जाएगा। हजुम हर्न की तलाश के लिए निकला। कुछ देर घूमते रहे। क्वे ने सना, उसने जमीन पर नजरें जमा कर देखा। इसे देखकर हर्न जाल में पेंस गया। एक दोस्त की हालत तश्वीशनाक है। फौरन उसके पास नीचे चला गया। अजीज दोस्त, बस यहाँ से निकलने में मेरी मदद की। तुम फिक्र न करो, मुझे सोचने दो। कुछ वक्त जाया किए बगैर उसने परवाज की। वापस कछुए और चौहे की तरफ जो थे उसका इंतजार कर रहे थे। क्वी ने उन्हें सुनाया सारी सूरत हाल। आप क्या कह रहे हैं? एक शिकारी? हाँ, एक शिकारी ने यहाँ तैयार किया है। शिकारी के वापस आने से पहले मेरा दोस्त आ जाओ मेरे साथ। आपके तेज दांतों से कोई फुंदा नहीं। कौआ और चौहा मौके पर पहुँच गए। करीब तरीन जाल मेरे दोस्त चौहा जल्दी से जाल नहीं और हर्म को आजाद कर दिया गया। कछुआ भी वहाँ पहुँच गए। तुम ठीक हो मेरे दोस्त? हाँ मैं ठीक हूँ, फिर आप सब ने मुझे बचाया। अचानक शिकारी मौके पर वापस आया और हर्न को आजाद करते हुए चौहे को देखा। शिकारी शिकारी को देख कर सब करीब आ गए। उनमें से कौआ अड़कर भागने लगा दूर। चौहा करीबी सुराख की तरफ भागा। मुआहदा झाड़ियों के अंदर छड़का। कछुआ न तो भाग सकता था और न ही छपाए। शिकारी ने कछुए को पकड़ा, इसे बोरी में डालकर ले गए। कभी हर्न, चौहा और कौआ एक जगह जमा हुए। वो बहुत उदास थे। तरतीब से पकड़े जाने वाले कछुए के बारे में, मेरी जान बचाने के लिए कछुआ पकड़ा गया। मेरे पास एक चाल है जिसको कल कैसे बचाया जा सकता है। शिकारी अकेला है और हम तीन हैं। कौआ अभी दरिया तक नहीं पहुंचा। उन्हें तारीफ की वजाहत की और इसे कैसे करना है अमल में लाया जाए, ये एक शानदार ख्याल है। अब चली जब वो झील के किनारे पहुंचेंगे। क्वी के मुताबिक हर्म को धोखा देते हैं, मरने का बहाना किया और क्वी ने बाहर जाने का बहाना किया।
कोई की आंखों में चौहा तैयार बैठा इंतजार कर रहा था। सही लम्हे के लिए झाड़ियों शिकारी मौके पर पहुंचा और देखा सड़क पर मर्दा पड़ा हरनूस ने कहा, वाह मेरे प्यारे शिकारी लालची होकर चला गया। जैसे ही हरन को पकड़ने के लिए आगे शिकारी बोरी से दूर चला गया, माउस सिलेक्शन कमीशन के पास गया और शुरू किया। जब शिकारी आया तो इसे मालूम हुआ हरन के करीब से क्वार गया। हरन अटकर भाग गया। शिकारी ये समझने में नाकाम रहे हो रहा था। अब तक चौहे की अफजाइश हो चुकी थी। सांप से कछुआ, वो फौरन झाड़ियों की तरफ लपका। शिकारी लेने के लिए मायूस वापस आया बोरी ये मालूम करने के लिए कि बोरी थी नहीं और कछुआ फरार हो गया था। दूसरी तरफ शिकारी को तकलीफ हुई। कछुआ हरन चौहा और कुआ से खुशी के सर्प्स के साथ दोबारा मिल गए। उस जयूरी से हम एक सबक सीखते हैं कि उतहाद ताकत है। अगर आपको उस वीडियो से लुत्फंदोज हवा, लाइक शेयर और कमेंट करें और बनी हमारी वीडियोस देखने वाला पहला शख्स। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और तलाश करने के लिए घंटी